अजीत रावत ने हरीश रावत पर लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने बोला हमला। रविंद्र जुगरान ने की मामले की जांच की मांग। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में आया भूचाल। हरीश रावत ने की अपने इस्तीफे की मांग। कहा होलिका दहन में हरीश रावत रूपी बुराई का अंत करे कांग्रेस। मंगलौर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह। काजी निजामुद्दीन से की मुलाकात। कहा होली के बाद होगा हार पर मंथन। छत्तीसगढ़ में हुआ नक्सली हमला। धमाके में शहीद हुए उत्तराखंड के आईटीबीपी जवान। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर पार्टी में चर्चा जोरों पर है। इस बीच उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम पार्टी की बैठक में शामिल होने आए हैं। पार्टी आलाकमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्णय के मुद्दे पर विचार करेगा और उनका फैसला आखिरी होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी के अलावा धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के नाम की भी चर्चा है। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं। बता दें कि कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए सतपाल महाराज का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप बहुत गंभीर है और अगर वो आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो, तो एक उचित उत्सव है होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे निष्कासित करे। तो हरीश रावत ने ये बड़ा बयान देने के बाद अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दिया और साथ ही साथ पार्टी के अंदर भूचाल खड़ा हो गया। आपको बता दें कि हरीश रावत ने ट्विटर के जरिए ये पूरा पोस्ट जो है उसको शेयर करते हुए सभी बातें लिखी हैं और साथ ही साथ कहा है कि पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करे और मुझे निष्कासित करे। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड सुभाष गौर साहब जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हरीश रावत साहब का ये जो पोस्ट है इसके मायने क्या है, उनका ये जो बयान है इसके मायने क्या है सर? ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता नहीं पाई और लगातार जिस तरीके से 2017 में भी बड़ी हार उनको देखने को मिले और फिर एक बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में नहीं कर पाई, तो उसके बाद से ही पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं साफ झलकनी शुरू होगी, चाहे वो मीडिया के जरिए झलकती हो या फिर यूं कहा जाए सोशल मीडिया के जरिए झलकती हो। हालांकि शुरुआती दौर में प्रीतम सिंह ने जरूर ये कहा कि 5 साल जो प्रत्याशी काम करता है उसको ही टिकट देना चाहिए और यही वजह है कि हरीश रावत नाराज हुए। उसके बाद वो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त की थी, लेकिन क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तैरने लगा जिसमें उन्होंने हरीश रावत को लेकर सीधी बयानबाजी कर दी और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हरीश रावत उत्तराखंड में जो टिकट है कांग्रेस के प्रत्याशियों के वो बेचे हैं और उसके बाद जाकर ये हालत कांग्रेस की हुई है। उससे नाराज हो हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी अपने ही लोगों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है यदि हरीश रावत बड़ा नेता नहीं है, हरीश रावत ने ऐसा कुछ किया है तो होली का जिस समय होली का दहन होती है उसी तरीके से मेरा भी संन्यास करा लिया जाए और कुल मिलाकर बताने की कोशिश की है कि बिल्कुल। सुभाष गौर साहब, दर्शक ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगा है उसका सीधा जवाब भी दिया जा सकता था, सीधा कट टू कट पॉइंटेड जवाब दिया जा सकता था कि ये जो टिकट बेचने का आरोप है ये सब निराधार है। इस तरीके के अमूमन हमने देखा है कि इसी तरीके के बयान जो है वो नेता देते हैं, लेकिन ये सरकाज्म से लबालब भरा हुआ ये बयान देने की यहाँ पर आवश्यकता क्या थी?
कि होलिका आ रही है, इसमें हरीश रावत रूपी बुराई को दहन करिए, खत्म करिए, निष्कासित करिए, तो क्या पार्टी में अब दिल नहीं लग रहा है हरीश रावत का, या फिर उनको लग रहा है कि अब वक्त आ गया है टाटा बाय बाय का? जी बिल्कुल, हरीश रावत एक मंझे हुए राजनेता है उत्तराखंड के, और ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो चीजें वो बयानों में नहीं दे पाते, मीडिया के समक्ष नहीं दे पाते, साफ साफ नहीं दे पाते, उनको वो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा उतल फुतल भी होता है, और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसके बाद जो कांग्रेस की गुट बाजी थी उस गुटबाजी का जो स्तर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यही वजह है कांग्रेस की गुटबाजी की जो वजह रही वो हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट रहा, और यही वजह है कि अब जो गुटबाजी है वो सोशल मीडिया पर बयानों के जरिए बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया, और जिस तरीके से अब जरूरत थी कांग्रेस को मंथन की कि आखिरकार वो किन वजहों से एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार नहीं बना पाई, अपने ज्यादा विधायकों को विधानसभा तक नहीं पहुंचा पाए, मंथन की जरूरत थी उस समय पर गुटबाजी वो खुलकर सामने आने लगी, और यही वजह है जब कांग्रेस के जो मुखिया के तौर पर देखे जाते हैं हरीश रावत, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए खुल के अपनी बातें लिखने लग गए हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हरीश रावत जिंदा है और बड़े नेता हैं, लेकिन बड़ी सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि हरीश रावत भी खुलकर सामने आ रहे हैं और तमाम जो दूसरे गुट हैं के नेता हैं वो भी खुलकर मीडिया के समक्ष आ रहे हैं जब जरूरत थी मंथन करने की। हालांकि एक बड़ा गंभीर आरोप हरीश रावत पर लगाया गया, उन्हें कहा गया कि उन्होंने टिकट बेचे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं हरीश रावत को ये जरूर कहना चाहिए था, अपनी बात जरूर सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ना केवल अपने उन साथियों को जवाब दिया बल्कि प्रदेश की उन तमाम जनता को, अपने तमाम उन फॉलोवर्स को भी जवाब दिया जो उनको फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और मिलाकर कहा जा सकता है बड़े नेता हैं वो, और बड़े नेता के तौर पर कहीं ना कहीं जो बयानों का खंडन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक और चीज है कि रणजीत रावत ने जो बयान जो भी लगाए हैं इनके पीछे आप क्या समझते हैं कि सच में कोई आधार है, क्योंकि आप बहुत करीब हैं, सियासत से समझ रहे हैं सब कुछ, क्या कोई आधार है या फिर जस्ट बिकॉज उनका एक स्टिंग जो था उसको लेकर काफी चर्चा रही थी उत्तराखंड में, तो ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट है या आरोप तो आसानी से लगा दिया जा सकता है, इसको लेकर वो पूर्ण रूप से सफाई भी नहीं दे पाएंगे? ये बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल ये है, रणजीत रावत वही नेता है जो 2017 से पहले हरीश रावत के सबसे खास माने जाते थे, और ये कहा जा सकता है कि जब उत्तराखंड में हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर आए तो वो डिप्टी सीएम पर काम के उनके पास को भी मुख्यमंत्री के, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़े महत्वपूर्ण कार्य कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी तमाम पूरे प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हरीश रावत हुआ करते थे, लेकिन उनको संभालने का काम, उन सब चीजों को देखने का काम रणजीत रावत के थे, लेकिन 2017 के बीच उन दोनों के बीच इतनी बड़ी गहराई हो गई, इतनी बड़ी दूरी पैदा हो गई कि आज वो एक दूसरे से चेहरा देखने पसंद नहीं करते, दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों ही नेता एक दूसरे को पसंद करते हुए नजर नहीं आते, और यही वजह है कि वो एक दूसरे पर अब एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना अब अहम होगा कि पार्टी हार पर मंथन तो बाद में करे, सुभाष जी हार पर मंथन तो पार्टी बाद में करेगी, पहले सब आपस में ही लड़ने, और जो अब लड़ाई है पार्टी के भीतर की ये तो अब बिल्कुल सार्वजनिक हो चुकी है पूरी तरह से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए सुभाष जी। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो पोस्ट करके अब खलबली मचा दी और सीधे तौर पर कहा है कि होलिका दहन सबसे अच्छा पर्व है और एक अच्छा मौका है जब आप हरीश रावत जी को पार्टी से निष्कासित कर दीजिए, ये उन्होंने पोस्ट कर ट्वीट कर इन्होंने सीधे तौर पर लिखा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम एक बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की हार के बाद कई दिग्गज नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। दिग्गजों की माने तो प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी हार की बड़ी वजह बनी हुई है। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन की आवाज पर पहुंचे प्रतिपक्ष नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर ही अपना विश्वास जताया और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मौका दिया। कांग्रेस की चुनाव में कई खामियां रहीं जिस पर होली के बाद मंथन किया जाएगा। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे तमाम साथियों को जो है मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे प्रभारी जी ने कहा कि होली के बाद हम प्रदेश की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे,
और सभी साथी उस बैठक पर अपनी बात कहेंगे। सर नहीं, देखिए चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान जब हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोगों का अपार प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने डबल इंजन की सरकार को नकारने का मन बना लिया है। लेकिन जब PVM खुली तो उत्तराखंड के लोगों ने फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है। का निर्णय वो तो सर आँखों पर है, अब किसको जनता मैंडेट देती है, उनको क्या चीज़ अच्छी लगी। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी आर्थिक नीतियों पर राजनीति करती थी और करती रहेगी। हम जनहित के विषयों को जनता के बीच में लाने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। और रहा सवाल कि ठीक है कि ये कुछ दिनों का एक फेज़ है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें दूसरी पार्टियों की बन रही हैं, जनता ने कांग्रेस को एक विपक्ष के रोल में रोल दिया है, कांग्रेस उस रोल को फिर और सदन से सड़कों तक अपनी लड़ाई जारी रखे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में रुड़की सीट से लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज करने और रुड़की विधायक चुने जाने के बाद क्षेत्र से रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। जहां एक ओर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया तो वहीं रुड़की का मिथक तोड़कर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इसी कड़ी में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि सबसे पहले तो वो प्रदेश की जनता और रुड़की की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं जो प्रदेश में BJP की सरकार आई और ये सीट भी BJP की झोली में गई। वहीं कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पार्टी नेतृत्व का मामला है, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी वो बखूबी निभाई जाएगी। मैं सबके दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोगों ने निर्वचन मोहम्मद से उत्तराखंड में सरकार भी आई और उनकी सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। सभी के सहयोग के लिए और सभी के साथ के लिए मैं सबका आभारी हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार और जो स्नेह दिया और सभी लोगों का सहयोग मिला। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि रुड़की के विकास के लिए उन्होंने बहुमत दिया। उदयगी शहर से मांग उठ रही है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको दिया जाना चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मांग करते हैं सरकार में आप? देखिए पार्टी नेतृत्व का मामला है और मीटिंग चल रही है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे और जो पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो अच्छा काम करेंगे और अपने प्रदेश के लिए जो है विकास की ओर अग्रसर करेंगे। अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी जैसा निर्णय लेगी वो सम्मान। उत्तराखंड में BJP सरकार चुनाव जीतने के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चाओं का बाजार गर्म है। BJP प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल राठौर ने बताया कि कई विधायकों की हाई कमान दिल्ली में भी भाग दौड़ लगी है, तो इसमें 20 साल से लगातार विधायक और अब पांचवीं बार विधायक बने मदन कौशिक जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी एक बार मौका मिलना चाहिए, वो भी मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए। देखिए उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। उत्तराखंड में पहला अवसर है कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनी है और इस सरकार बनने पर मैं एक तो सर्वप्रथम समस्त उत्तराखंड वासियों को इसका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास जताया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। दूसरा, अभी होली का त्यौहार नजदीक है और सभ्य बारात भी आ रही है, मैं उत्तराखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों को इसकी भी बधाई देना चाहता हूं। अब बात आती है सूबे के नेतृत्व की। सूबे के नेतृत्व के लिए आज मदन कौशिक जी जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भाजपा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और हर एक सीट पर इतना प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की तरफ से किए गए IED धमाके में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे ITBP जवान देवप्रयाग के राजेंद्र सिंह ग्रामकोटी शहीद हो गए, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। उनके शहीद होने की खबर मिलने के बाद से परिवार और गांव में कोहराम मचा रहा। फिलहाल मामले की अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल नक्सलियों ने नारायणपुर के सोनपुर इलाके के ढोगरी बेड़ी में IED लगाया हुआ था। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले ITBP के 93वीं बटालियन के जवान रूटीन गश्त कर रहे थे, तब ये हादसा हुआ।
दिनेशपुर नगर पंचायत बोर्ड मीटिंग में नगर पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए कई मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान नगर पंचायत में सभी सभासद, अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी समेत नामित सभासद बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए। साल के अंत में नगर पंचायत के आय व्यय पर भी चर्चा हुई। पिछले साल कोविड में साफ सफाई के विषय पर और अप्रैल से साफ सफाई और स्वच्छता पर नई रणनीति तय की गई। आज बोर्ड की बैठक इसलिए बुलाए गए जो हमारे कार्यक्रम जो मार्च लास्ट हो रहा है इसको जो पहले कार्यक्रम में कोरोना को देखते हुए जो हमने काम किया है किस तरीके से हमारा वसूली किए गए और कैसे वसूली नहीं किए गए इसके बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया और आगे हम कैसे काम करना है इसी बिंदु को लेकर चर्चा किया। इन बिंदुओं पे हमारी ये जो अब 1 अप्रैल से क्योंकि मार्च क्लोजिंग हो चुका है हमारे चले थे मतलब जो हमारे ठेके जो भी चले थे जैसे तहबचारी पार्किंग जो भी तो इनकी क्लोजिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट उसमें हम दोबारा से इसको क्रियान्वित करेंगे उसी पर चर्चा की गई। इसके अलावा हमारे ये सफाई पे स्वच्छता अभी स्वच्छता वो चल रहा है स्वच्छता फीडबैक चल रहा है लोगों का उससे सारे वार्ड मेंबर हमारे अवेयर हो जाए वो भी अपने तरीके से स्वच्छता चमोली के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब महज 1.5 महीने का समय शेष है। ऐसे में राजमार्ग सुचारू रूप से चलने के लिए बीआरओ के जवान युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। बीआरओ की तरफ से बद्रीनाथ माणा तक बर्फ हटाकर राजमार्ग सुचारू कर दिया गया है। गौरतलब है कि अभी भी बद्रीनाथ माणा तक 4 से 5 फीट बर्फ जमी हुई है। बीआरओ के जवान मशीनों से बर्फ काटकर राजमार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों को श्यामपुर बाईपास से नटराज होते हुए पहाड़ी इलाकों में भेजा जाएगा जबकि पहाड़ से आने वाले सभी वाहनों को बाईपास से हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। शहर के अंदर केवल लोकल लोगों के वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी। दरअसल ये प्लान SP ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद बनाया है। हम 2022 पुलिस की दृष्टि से बहुत ही बिजी समय रहेगा क्योंकि लगातार 2-3 सालों से कोरोना के प्रभाव के कारण चारधाम यात्रा उतनी जोरों शोरों से नहीं हो पाई तो जो बुकिंग प्राइवेट होटल्स में प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके साथ उनके पास हो रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार भीड़ हर साल की मुकाबले ज़्यादा रहेगी। जो निरीक्षण किया गया वो निरीक्षण के साथ साथ एक ट्रैफिक प्लानिंग भी थी चारधाम के दृष्टिगत। मुझे बहुत खुशी हुई कि थाना कोतवाली ऋषिकेश के कोतवाल भी और अन्य स्टाफ भी बहुत ही एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके इस साल के सीज़न को लेके। हमने पूरा ऋषिकेश का निरीक्षण किया गया उसमें नेपाली फार्म से लेके चंद्रभागा पुल देन टिहरी जिले का कुछ एरिया एम्स वाला एरिया तथा नटराज चौक वाला अलग अलग प्लान बनाए जाएंगे। साथ ही मेरे द्वारा रेलवेज तथा PWD तथा अन्य नगर निगमों SDM साहबों उन सबसे कोऑर्डिनेट करके अलग अलग कामों का लिस्टिंग अलग डिपार्टमेंट की मदद भी ली जाएगी। गदरपुर के नवनियुक्त थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट ने गदरपुर थाने का चार्ज संभालते ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा कि गदरपुर में मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलने की शिकायत आई थी जिस पर हमने गदरपुर के मुख्य मार्ग पर MS प्रॉपर्टी नाम के एक ऑफिस में छापा मारा जहां पर मौके से 8 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इनके पास से लगभग 14,000 रुपये नकद 7 मोबाइल और 5 ताश की गड्डी भी बरामद की गई। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने कहा कि गदरपुर क्षेत्र में जो भी गैर कानूनी कार्य करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छावड़ा मार्केट है गदरपुर में पुल के पास में शमशान घाट के सामने यहाँ पर MS प्रॉपर्टी का एक कार्यालय है उस कार्यालय में हमने आज छापामारी की मुखबिर की सूचना पर वहाँ 8 लोगों को पकड़ा है लगभग 1,40,000 रुपये कैश और 8 और 5 ताश की गड्डियाँ 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और सभी लोगों के खिलाफ 13G Act में मामला पंजीकृत किया जा रहा है। और गदरपुर क्षेत्र में नशे की भी काफ़ी शिकायतें हैं जो लोग भी ये नशे का कारोबार कर रहे हैं इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कुल संख्या कितनी थी?
टोटल 8 लोग पकड़े गए हैं, 1,40,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, 5 ताश की गड्डियां हैं, 7 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। भी कुछ लोग शराब पी रहे थे, उसमें से 5 लोगों का पुलिस एक्ट के तहत 500 रुपये का चालान किया गया है और उनको हिदायत दी गई है कि वो दोबारा कभी ऐसी जगहों पर न बैठें, और जो भी लोग यहाँ अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं उनको ये मेरा सख्त संदेश है, वो या तो अपना काम छोड़ दें या इलाका छोड़ दें, वरना हम बख्शेंगे किसी को नहीं। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने थाना थराली में जन समस्याओं के निराकरण के लिए थाने में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक संवाद और पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय लोगों, वाहन मालिकों, जनप्रतिनिधियों आदि की तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।